भैया अल्पसंख्यक 6,80,000 वोट है। नाम क्या सर आपका? मोहम्मद अनवर खान, ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन संगठन प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। अमेठी 15 साल माननीय श्री स्वर्गीय राजू जी की थी, उन्होंने विकास किया था। पुत्र राहुल जी 15 साल उसको फायदा लिए, उसके बाद कोई विकास नहीं। अल्पसंख्यक 1947 से जब आज़ादी मिली है, जब से वोट बैंक बना हुआ है। भगवा से डराना, भगवा जो है चिश्तिया में भी है, उसे अली को भी पसंद है, बजरंग बली को पसंद है। और मोदी जी ने जो वादा किया था विकास, सबका साथ सबका विकास, तो जो विकास हुआ है उसमें भेदभाव नहीं हुआ। और मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की एक बात अच्छी लगी, उन्होंने एक वादा किया, उन्होंने 5 साल के बीच में अल्पसंख्यकों को कहा है कि मुसलमान अल्पसंख्यक आप एक हाथ में कलाम पाक बच्चों को पकड़ाओ, दीन का भी काम रखो, और एक हाथ में लैपटॉप दो जो कि आपके बच्चे IAS बन सके, PCS बन सके, बाबू बन सके, हर चीज़ तरक्की के लिए। आज तक कांग्रेस हो, जो हमारे गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, और सपा में आज़म खां हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, और जो भी हैं चापलूसी का, वो लोग स्वार्थ का राजनीति करते हैं। समाज की राजनीति अभी तक कोई नहीं किया, कोई समाज में पूछा नहीं गया, समाज की बात ये कर लें, क्योंकि हमारा भी देश है, ये हमारा भी हक है। भगवा से डराते रहे, मैं तो गया भगवा में, भगवा मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो सम्मान उसमें, बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है वहाँ, सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान एक साथ। अच्छा सर ये बताइए, आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट देगा, कितने परसेंट अब की बार मुस्लिम बीजेपी को वोट देगा? मुस्लिम अब की बीजेपी को 50% वोट देगा। यहाँ से सोपड़ा साफ हो रहा है राहुल जी का, राहुल जी का। हम जैसे हक के बात करने वाले वहाँ पर बागी कहलाए जाते हैं, उसका जवाब 23 तारीख को जनता देगी, ये देंगे, जनता देगी, यहाँ कोई बंटवारा नहीं है। विकास पार्टियाँ कहती है कि जो बीजेपी है हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करती है, ये गलत है। जब उस घर में जिसमें भड़का रहे हैं कांग्रेसियों ने भड़काया है, उस चीज़ को मैं जब सच्चाई देखा, जब गया भगवा में, जब चिश्तिया रंग देखा, मैं चिश्तिया बना के देखा, उसमें सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान एक है, डराने की नहीं है। जब आएंगे, आज वोट दे रहे हैं, कल के शामिल होंगे, 5 साल के सरकार में माननीय मोदी जी जैसे चल रहे हैं, अच्छा सहयोग करेंगे अल्पसंख्यकों के साथ, और भी तादाद से जीतेंगे। वो जो कह रहे हैं कि 45 से 50 साल हम राज करेंगे, वो हकीकत में बदल जाएगा, सारी जनता उनको मानेगी, चाहे OBC हो, चाहे BC हो, चाहे अल्पसंख्यक जो भी हैं दलित, सबका सहयोग मिलेगा उनको। अच्छा सर, उन मुस्लिमों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बीजेपी को वोट देने से डरते हैं, उनको डराया जाता है? मैं उनको कहूँगा कि विकास देखो, सम्मान देखो, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता ना। सम्मान जब आओगे, जिससे डरवाया जा रहा है, जैसे मैं आया, मुझे तो अच्छा लगा, 4 दिन हुआ मुझे आए हुए, और 4 दिन में अमेठी बदल गई, और अमेठी बदलाव मांग रही है। आज अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आ रहे हैं, उनका हम बहुत स्वागत करेंगे, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का स्वागत होगा। आज प्रियंका जी को देख लो, प्रियंका जी तिलोई में अपना सभा नहीं लगा पा रही हैं, वो भी मुस्लिमगढ़ है, 2 लाख कुछ वोट है, गुज्जर वोट, उसको बता देंगे। हारून रशीद जैसे लड़ रहे हैं उनको गिराने के लिए, इंशाल्लाह विजय भाजपा की होगी, हम भाजपा ही हो गए हैं, हम कांग्रेस की बात नहीं करते। कांग्रेस तो सिर्फ आपस में जब देखती है तो अल्पसंख्यक में बंटवारा कर देती है कि अल्पसंख्यक दलितों को बुला लो, उनको सम्मानित कर दो, खुश हो जाएंगे, वोट ले लो। उनका भी कोई रहनुमा होना चाहिए वहाँ पर, कल के कोई उसका बच्चा बीमार हो, कोई अच्छा मात्र पढ़ा हो, पैसा नहीं है मेरे पास खर्चा के लिए कि मैं पढ़ा सकूं, मेडिकल डॉक्टर बना सकूं, जाए उनके पास, वहाँ जाएगा तो वहाँ वो चाटखोर ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि वहाँ बोल नहीं पाएगा।
तो वो चीज़ मैंने देखा है वहाँ रह के। वो तो राजू जी की मेहरबानी थी, राजू जी का अमेठी पे एहसान है। राजू जी ने जो किया है वो राहुल जी नहीं कर सकते ना बन सकते हैं। राहुल सर, कौन से ऐसे कार्य है जो भाजपा को आप सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से कार्य अच्छे लगे आप? मुझे दिल मेरा छुआ तो यही लिए कि जो एक हाथ में कलाम पाक, उन्होंने सलाह दिया कि एक हाथ में कलाम पाक लो और एक हाथ में लैपटॉप लो, इससे बड़ा भविष्य में क्या होता है। यही तो है आगे बढ़ने का, और वो उनके बात मेरी दिल में छू गई और ये चीज़ से मैं भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा में जितना भी है मैं भाजपा ही हूँ। आज मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है, फूल के स्वागत करेंगे और घर फूल बहुमत से उनको जिताएंगे। सर राहुल गांधी मोदी, मैं मोदी हूँ। राहुल गांधी वायनाड छोड़कर चले गए, क्या कारण है? उन्हें पता चल गया ना, उनका करनी जैसे करनी वैसे कथनी, और कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है और मक्कारी की हार होती है। वो चीज़ जनता बताएगी देश की। स्मृति ईरानी का हारने के बाद भी कार्यकाल कैसा रहा यहाँ पर? बहुत अच्छा रहा है, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। अमेठी में विकास होगा। आज आज मेरे यहाँ फ्लाईओवर ब्रिज, आज के साल से 15 साल से रह रहे हैं, 15 साल से चर्चा चल रही, ब्रिज नहीं अंडरग्राउंड हमारा जो है, यहाँ से लेके 500 गांव हैं, रामगढ़ से लेके चचकापुर अमेठी, उस अंडरग्राउंड पास होते हुए नहीं बना पाए। तो मैं कहता हूँ इन्होंने क्या विकास किया है। हम लोग को बहुत घूम के अभी अमेठी जाम लग जाएगा, हम निकल नहीं सकेंगे। तो हमारा अमेठी कहाँ, 1 किलोमीटर की अमेठी बना दिए, जबकि 40 से 60 किलोमीटर अमेठी है, 1 किलोमीटर की इनकी वो अमेठी नज़र आ रही है। जितनी योजनाएं चलाई गई केंद्र सरकार द्वारा, अमेठी की जनता को लाभ मिला? बिल्कुल मिला। आवास, प्रधानमंत्री आवास बराबर मिला, कोई भेदभाव नहीं हुआ। उज्ज्वला योजना में भी बराबर मिला, और जो भी विकास का आ रहा है उसमें कोई अल्पसंख्यक और हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जा रहा है, वहाँ सबका साथ सबका विकास है। मोदी जी का काम सनेह दे रहा है। धन्यवाद। यहाँ सब अमेठी के हैं, बाहर कोई? सारे लोग यहाँ अमेठी के हैं। इनसे बता दीजिए और कहाँ के हैं। पिछले 15 साल से राहुल गांधी सांसद हैं, यहाँ एक भी काम नहीं हुआ है। इस बार लोगों में इतना रोष है कि इस बार राहुल गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी दोबारा वो लौट के नहीं आएंगे। राहुल गांधी के खिलाफ घर घर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा सर ये बताइए विकास कितना हुआ 15 साल में अमेठी के अंदर? आप खुद देख रहे हैं कुछ विकास नहीं हुआ। एक यहाँ ओवर ब्रिज है जो है, ये लोग खड़े हुए हैं, इस बार इतना नाराज हैं कि ये लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये है कि स्मृति दीदी को जिताएंगे जो है लोग। सर एक तरफ 72,000 है, एक तरफ है कि अब न्याय होगा, क्या लगता है अब न्याय होगा? 72,000 कहाँ से देंगे भाई, बताइए। मैं 72,000 तब मान लेता जब आज जो है मोदी सरकार 6,000 सालाना दे रही है, 500 रुपया महीना दे देते तो फिर मैं मान लेता कि हाँ ये देंगे जो है। सर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार, इस अमेठी की जनता का क्या मूड है? अमेठी का जनता का इस समय वह मूड है कि अगर आपकी बार स्मृति ईरानी नहीं जीती तो नहीं जीत सकती, एकदम अमेठी की जनता का मूड है इनको जिताने के लिए। अच्छा सर ऐसा क्या है कि अब की बार जो है यहाँ की जनता का मूड बदल गया है? इसलिए बदल गया है कि अमेठी की जनता ने इन्हें 15 साल अवसर दिया। कौन सी भूल जनता ने किया जो अमेठी को छोड़ करके बाहर भाग गए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने अमेठी का कोई भी विकास नहीं किया। अच्छा सर प्रियंका गांधी आ गई प्रचार कर रही है तो कितना फर्क पड़ने वाला है? प्रियंका गांधी एक मौसमी पक्षी है, वो हमेशा हर चुनाव में यहाँ आती हैं और उनका वही असर है बस और चली जाती है। कितना सर होने वाला है प्रियंका गांधी का? क्या सर? प्रियंका गांधी का कितना सर होने वाला है चुनाव प्रचार? नहीं होगा, क्यों कोई नहीं सर होगा, क्योंकि वो चुनाव के समय ही आती हैं। अगर अमेठी को जनता का सुख दुख की दुख दर्द की चिंता है तो बीच में आए जो है, 5 साल के बीच में एक बार भी दिखाई नहीं पड़ती, वो चुनाव के समय ही आती हैं, अपने भाई को जिताने के लिए हाथ हिला के चली जाती हैं, और बीच में कभी भी वो हालचाल लेने नहीं आती। अमेठी मर रही है, अमेठी जनता जी रही है, कभी भी कोई जो है। राहुल गांधी वायनाड चले गए, क्या पहले से ही अपनी हार मान चुके हैं? अगर हार नहीं माने तो वायनाड गए क्यों? वो तो पहले हार मान चुके हैं। आज कितना बड़े झूठे हैं राहुल गांधी, जिसका कोई वही नहीं। बगैर रेलवे क्रॉसिंग के लिए पिछले इलेक्शन में 35 ग्राम सभाओं ने वोट का बहिष्कार किया कि यहाँ हमें अंडरग्राउंड क्रॉसिंग चाहिए। उन्होंने एक बोर्ड लगवा दिया, 2.61 करोड़ रुपए 6 माह के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा, लेकिन आज दिन तक
अंडरग्राउंड बना और इस इलेक्शन में वोट उखाड़ के लेके चली गई। सर कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं। ये भी सांसद रहे, उनका पूरा परिवार सांसद रहा, यहाँ पर रोजगार के लिए कितने साधन उन्होंने, यहाँ रोजगार जितना अमेठी में बेरोजगार हैं उतना शायद हिंदुस्तान में किसी गांव में नहीं होंगे। लेकिन सर उनका तो कहना है बेरोजगारी को चिल्लाते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है बेरोजगारी तभी से ही बढ़ी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, वो इलेक्शन का स्ट्रेंथ है, उनकी झूठ बोलने की आदत है समझे। वो 72,000 करोड़ 7200 रुपया वो साल में कहाँ से दे पाएंगे किसानों को, देश की स्थिति क्या है, देश को लूट खाने वाली पार्टी है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं जनता हूँ, समझा ना, तो कांग्रेस के विषय में जनता जान चुकी है।